हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एसटीजी टेक्निकल। ये हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे फटाफट ओपन करते हैं और इसका मसला समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इसका मदरबोर्ड बाहर कर लेना है, जिससे होगा ये कि हमें इसका प्रॉब्लम, हमने वैसे तो चेक कर चुका है, इसका सीपीयू जो है वोल्टेज नहीं उठा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपीयू उतारेंगे इसका। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो अब हम आ चुके हैं माइक्रोस्कोप पे। सबसे पहले हमें ये जो बटन है लॉक एंड साइलेंट वाली, इसको कवर करना पड़ेगा टेप की मदद से। ये हमने दो टेप मार दिए, एक और इसके ऊपर एक और। और सबसे पहले हम ये शील्ड ग्राइंडर से काट देते हैं। तो इससे होगा क्या, जो हमारी शील्ड है वो ग्राइंडर से कट जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें सीपीयू उठाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ग्लू कट कर देते हैं सीपीयू के आजू बाजू का। ये ग्लू कट हो रहा है अब हमारा सीपीयू का। तो ये आजू बाजू का ग्लू कट कर चुके हैं अभी हम। अब रोम गरम करते हैं और रोम उठाते हैं ऊपर। ये एमएमसी पे, सॉरी हम हीट सिंक लगाना टेप भूल गए थे। अभी सीपीयू उठाते हैं, अभी रोम उठाते हैं अभी थोड़ा गरम करके। तो बस लगभग हो ही गई है गरम, थोड़ी सी बची है अभी। चलो बस उठा लेते हैं, अब हो गई है हमारी रोम गरम। तो अभी इसके बाद हमें प्रोसेसर उठाना है, लेकिन प्रोसेसर उठाने के पहले तीन कैपेसिटर है, तो तीन में से दो ही निकाले हमने, हो जाता है दो में। थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और हिट मारेंगे थोड़ी इसमें। तो ये प्रोसेसर जो है थोड़ा हार्ड रहता है, तो ये थोड़ा निकलने में थोड़ा टाइट रहता है, तो थोड़ा सी ज़्यादा हीट खाता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये निकल चुका है हमारा प्रोसेसर भी। और ये जो ग्लू है, ब्लैक ग्लू वन प्लस सिक्स का खासतौर पर, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है, आपको दिख जाएगा। ये ग्लू बहुत ही गंदा रहता है, देख लीजिए। जब तक आप ग्लू साफ़ हो रहा है, देख लीजिए ग्लू साफ़ हो चुका है हमारा, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं हो चुका है। अभी हमें ग्लू कटिंग करनी पड़ेगी। ग्लू कटिंग कैसी होंगी, हमारे टूल की मदद से। ये वाला जो टूल है, इसकी मदद से ग्लू कट होगा। तो ग्लू कट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पूरे चारों कॉर्नर मिला लेने हैं ग्लू कटिंग के। तो ये हमारा पूरा ओके हो गया। रोम के बारी है, रोम कटिंग होंगी। रोम कटिंग कैसे होंगी, टूल की मदद से। चलिए रोम का भी साफ हो गई है हमारी। अभी इसके बाद ये सीपीयू की बारी आ चुकी है हमारे। सीपीयू का पहले अपसाइड साफ कर देते हैं हम। अपसाइड साफ करने से होगा कि हमारा जितना भी कचरा है, ये जो जितना भी ग्लू है वो पूरा साफ़ हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये हो चुका है हमारा ग्लू साफ। एक राउंड और मार देते हैं डिशॉर्टिंग वायर की मदद से। बस ये हो चुका है। अब इसको थोड़ा पेस्ट लगा के इसको भी कहिए से थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बेकार ग्लू है गाइस। बहुत तकलीफ़ जाती है इसे साफ़ करने में, जैसा आप देख पा रहे होंगे कितनी तकलीफ़ जा रही है। तो यही इस तरीके का फ़ोन है। अब मैन्युअली वाटर गन के थ्रू करना पड़ेगा हमें टूल की मदद से। देख लीजिए अब क्लीन हो पा रहा है। बहुत समय लगता है इसके कभी कभी साफ़ करने में गाइस। आपको जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है ही नहीं। और कई बार इसके प्रोसेसर उड़ जाते हैं, ज़्यादा हीट हुई तो, इसलिए कम हीट पे ही काम करना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो ये भी हमारा सीपीयू बस साफ़ होने ही वाला है। देख लीजिए अभी तार की मदद से हमें एक बार क्लीन कर लेना, और ये थोड़ा सा ग्लू रह गया है। चलिए अब बारी आती है आईसी रिबॉलिंग की। तो अभी हम इसको रिबॉल करते हैं प्रोसेसर को फर्स्ट में, और उसके बाद रोम आईसी रिबॉल करेंगे। चलिए सीपीयू को थोड़ा रख देते हैं हम स्टेंसिल से, होल से होल मिला लेते हैं। सीपीयू थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारा, चल जाता है। फिर हमने हीट मारे इसको थोड़ी, ये हो गया है हमारा एक बार रिबॉल। अब दूसरी बारी है फिर से इसको एक बार कटिंग करके, फिर से एक बार पिपड़ी लगा के हम हीट मारते थे। देख लीजिए बॉल कितने बढ़िया बन गए, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया बन गए। तो अभी इसके बाद हमें करना ये है, रूम को तार वाले ब्रश से साफ़ कर लेना। इससे होगा ये कि हमारा सब रग, उसका कार्बन है जो निकल जाएगा, इसको भी स्टेंसिल से फटाफट रिबॉल कर लेते हैं। अभी हम ये होल से होल मिला के हमने फर्स्ट से पीपीटी लगा के रिबॉल कर लेना है। ये हो चुका है हमारा रिबॉल। अभी एक बार हम उसको कट करके और पीपीटी भर के को एक बार रिबॉल कर लेते हैं। देख लीजिए एक नंबर बढ़िया बॉल बन चुके हैं अभी हमारे। तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं मदरबोर्ड की तरफ, और इसे हम थोड़ा सा फिट मार लेंगे थोड़ा पेस्ट लगा के। तो ये देख लीजिए
कॉपी पेस्ट लग चुका है हमारा। तो अभी हम ये, हाँ ये बॉल रह गया था, इसको सही कर दिया हमने कहिए की मदद से। ये थोड़ा वहाँ पे शोल्डर का एक आधा टुकड़ा आ गया हुआ, उसकी वजह से गाइस ऐसा होता है कभी कभी। तो अभी हम सीपीयू को डॉट जहाँ है वहीं रखेंगे प्रॉपर, उसके बाद हम इसे लगाएंगे, हिट मारेंगे। तो ये देख लीजिए हमारा प्रोसेसर बैठ रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, देख लीजिए अभी आप। थोड़ा हिट मारेंगे, बस हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है बस। ये देख लीजिए हमारा प्रोसेसर बैठ चुका है। पेस्ट बाहर आने का मतलब भी यही रहता है गाइस कि प्रोसेसर बैठ जाता है, और ये कुछ कंपोनेंट थे वो सीधे कर दिए हमने। और अब बारी है रूम के, रूम को थोड़ा पेस्ट लगा के हमने हिट मार दिया है। तो अभी जहाँ प्रोसेसर का डॉट था वहीं रूम का डॉट रखना है, उसके बाद हमें काम करना है, ठीक है। ये रूम आई सी बैठ चुकी, थोड़ा हिला के देख लेते हैं हम। ये देख लीजिए, और थोड़ा हिला के बताते हैं आपको। ये देख लीजिए रूम बैठ चुकी है हमारी एकदम परफेक्ट। तो अब पारी आ जाती है हमारे को फ़ोन टेस्ट करने की। चलिए अभी बोर्ड को ठंडा कर दिया है हमने, अब चालू करते हैं। देख लीजिए वन प्लस का लोगो लिख के आ गया है और फ़ोन हमारा चालू हो चुका है। अगर आपके पास भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए होगा तो नीचे आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना फ़ोन रिपेयर के लिए भेज दीजिए। आपको एकदम चीप से चीप प्राइस लगाई जाएंगी। यदि आपने अभी तक के हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्द से जल्द कर ले इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। अब अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।